नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स। दोस्तों आज का यह वीडियो जियो फाइवर यूज़र्स के लिए। दोस्तों अगर आप भी जो है अपने घर या फिर ऑफिस में जियो फाइवर लगाए हुए हैं और आपके जियो फाइवर से जो है अदर डिवाइसेस जो है कनेक्ट हो गए हैं और नेट वगैरह चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसे ब्लॉक कर दें, तो किस तरह से उसे ब्लॉक कर सकते हैं, इसी चीज़ को इस वीडियो में हम जो है जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो है माई जियो ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है और जो जियो फाइवर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे इसमें जो है लॉग इन कर लेना है। तो इसमें मैंने पहले से लॉग इन करके रखा हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से इसमें लॉग इन किया जाता है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे में माई डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर यहाँ पर फाइवर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक के ऊपर में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही फाइवर के ऊपर में क्लिक करेंगे या फिर माई डिवाइस के ऊपर में, तो यहाँ पर आप जो है इसके जियो फाइवर के सेटिंग में आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर 37 डिवाइस जो है पेयर हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए मैं इस एरो पे अगर क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ पर टोटल जो डिवाइसेस हैं वो है 37, जिसमें से अभी 4 जो है एक्टिव है ना। इसमें से जो भी डिवाइस आपका नहीं है, मान लीजिए कि फर्स्ट जो ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है ये मेरा डिवाइस नहीं है, अब मुझे इसे ब्लॉक करना है तो कैसे करें, तो उसके लिए सिंपल से क्या करना है, जो भी डिवाइस आपको ब्लॉक करना है उसके सामने में 3 डॉट है, इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक का, ब्लॉक के ऊपर में क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा नीचे की ओर से, यहाँ पर फिर से आपको ब्लॉक कर देना है और ये देखो यहाँ से ये डिवाइस हट गया, वो डिवाइस जो है ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसी तरह से और दूसरा कोई ब्लॉक करना है, जैसे मान लीजिए ये वाला मैक 20 लिखा हुआ है इसे ब्लॉक करना है, तो सिंपल सा इसके ऊपर में क्लिक करो, आप 3 डॉट के ऊपर में ब्लॉक के ऊपर में क्लिक करो, यहाँ से ब्लॉक कर दो, ठीक है। डबल ब्लॉक करोगे, ये भी यहाँ से ब्लॉक हो गया। अब इसे आपको देखना है तो कहाँ दिखेगा, तो देखने के लिए भी वही करना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 35 पेयर डिवाइसेस दिखा रहा है, यहाँ इस एरो पे क्लिक करो और यहाँ पर ब्लॉकेड का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, ये देखो जो भी डिवाइस आप ब्लॉक किए रहोगे वो यहाँ पर शो होगा। आप चाहे तो यहाँ से जो है अनब्लॉक आसानी से कर सकते हो, तो मुझे अब जो है अनब्लॉक करना है तो यहाँ पर अनब्लॉक भी इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर अनब्लॉक डिवाइस पर क्लिक करो और ये देखो ये डिवाइस यहाँ से अनब्लॉक हो गया। ये वाला है इसे भी हटा देते हैं, तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अनब्लॉक डिवाइस पर क्लिक करते हैं और ये देखो ये डिवाइस भी अनब्लॉक हो गया, तो अब ये दोनों वापस जो है कनेक्ट हो पाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप जो है जियो फाइबर में किसी भी डिवाइस को जो है अदर डिवाइस को जो है ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों छोटी जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं इसी तरह के बेसिक वीडियोस मैंने बहुत सारा अपलोड किया हुआ है जियो फाइबर से रिलेटेड, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।